Several initiatives have been taken in consultation with the industry to boost the ease of doing the business in this sector. Understanding the need to reform in the mining sector, our preparation began way back in 2015 with the amendment of MMDR Act, introduction of auction only the regime to make the mineral blocks available to the industry, and we started the introduction of revenue sharing model. This has brought lot of changes. And पहले ये भी होता था captive, non-captive restriction, end-use restriction, coal में भी बहुत restriction था, इसके लिए उपयोग करो, इसके लिए उपयोग करो, rail mode, raid mode, ये सब mode, तो इससे हमारा जो नीचे लेवल का अधिकारी है वो भी इसका डिस्क्रिशन का बहुत उपयोग करते थे, इसीलिए डिस्क्रिशन खत्म करने का एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे दोनों मिनिस्ट्री में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने लिया है। अभी कुछ एनडीयूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूवल ऑफ एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड द मर्चेंट माइंस, द अमेंडमेंट ऑफ MNBR एक्ट मैंडेट द ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक विदाउट एनी एंड-यूज रिस्ट्रिक्शन। एग्जिस्टिंग कैप्टिव माइन were allowed to sell up to 50% the mineral produced after the meeting of the requirement of the linked plants. ये हम other mines में भी किया है, coal में भी किया है। coal में last time हमारा captive का जो 89 million टन production था, इस time it is going to be nearly about 140 million tons of the coal also because of this policy. End-use restriction जो हमने हटाया है और सेल के लिए अलो किया है। उड़ीसा राज्य वर्तमान अग्रणी राज्य मिनरल्स, मेटलर्जी और मेटल सेक्टर है। एवं उड़ीसा राज्य वर्तमान नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, बट ऑल्सो द वेरी लार्ज प्रोड्यूसर, इनफैक्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम। एंड दिस एडवांटेज इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडिशन पॉलिसी एंड द इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन एंड अदर इंसेंटिव which we provide to the priority sector industry. So we presented our case. हमें उड़ीसा राज्य विषय है, हमारा पॉलिसी विषय है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय है, हमारा जो 5T प्रिंसिपल्स रे वर्तमान जो ट्रांसफॉर्मेशन चलती से विषय है, हमें जो दर्शक माने थे से मानू को हमें अवगत कराइलु एवं बहुत भलो रेस्पॉन्स मध्य हमें पाइलु एवं बस जो डिसेंबर मासे मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव होगा जाऊँगी ताऊपरे मध्य हमें लोगों को किसी सम्यक सूचना मध्य दे। सर ये जो 2047 को नेकी जो टारगेट रही ची सेंट्रल गवर्नमेंट रो ताऊपरे उड़ीसा सरकार रो सहभागिता केमती रही। उड़ीसा सरकार सब बेले भारत सरकार का सहित पूर्ण सहभागिता सहित कार्य करे एवं वर्तमान जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृतकाल एवं आसंता 25 वर्ष में भारत सरकार के तरफ जो पूरा प्लानिंग करा जाऊँगी भारतवर्ष को पूरा नुआ स्तर को नहीं जावाई न्यू इंडिया निर्माण करने से ओडिशा मध्य संपूर्ण भाव में सहभागिता करिबो एवं आमर जो सबू एडवांटेजेस सेक्टर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, मेटल्स, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से एवं स्किल डेवलपमेंट से आम केंद्र सरकार के सहित पूरा पूरी भाव में सहयोग कार्य कर। सर जो रिसर्च को अधिक फोकस करने प्रहलाद जोशी माने समस्त आह्वान कले जे किमती एक्सपोर्टा बढ़िबो इंडिया रो से क्षेत्र में ओडिशा मध्ये अनेक जगह अनेक मिनरल्स अच्छी माटी तले तो से ताकू केमती एक्सप्लोर करिया पई कोन आपण टार्गेट नेबे। वर्तमान जो भारत सरकार के पॉलिसी अच्छी एक्सप्लोरेशन हमें सही पॉलिसी अंडर रे हमें वर्तमान कार्य करूँ। आज जहाँ सूचना दिया गला कि वर्तमान से पॉलिसी रे आउ किसी नुआ चेंजेस होगा जाऊँगी एवं से चेंजेस निश्चित ओडिशा पाए बहुत लाभप्रद हो। MMDR एक्ट रे भी विगत रे जो 2-3 वर्ष भीतर जहाँ चेंजेस सबू होता ओडिशा बहुत लाभवान है एवं हमें फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस ऑफ मिनरल्स एंड दैट इज व्हाई वी आर रियली नाउ प्रॉस्परिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सप्लोरेशन रे जेमिति पॉलिसी रे जहाँ जहाँ चेंज आसीबो ओडिशा निश्चित से डिमांड सर रहिला कि हमरो इंटरनेशनल सेमिनार रे राज्य तरफ अमर तरफ डिमांड अच्छी जो उड़ीसा राज्य रे जेहेतु एते मिनरल एवं मेटल प्रोडक्शन होउची सो अमर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सेती की दरकार, अमर रेलवे नेटवर्क बहुत उन्नति दरकार एवं जो नेशनल हाईवेज जो नेटवर्क अच्छी से बहुत उन्नति दरकार बर्तमान आप देखते केवंझर सुंदरगढ़ बेल्ट्रू पारादीप धामरा गोपालपुर जो नेशनल हाईवेज तार मध्य एक्सपेंशन दरकार रेलवे जो हमारे नेटवर्क अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी पोर्ट को मिनरल एवं इंडस्ट्रियल जोन से ही जो संयोगीकरण अच्छी तार मध्य बहुत एक्सपेंशन दरकार से ही बर्तमान आम तरफ मुख्यतः डिमांड वाटरवेज प्रति मध्य जो भारत सरकार की योजना अच्छी NW5 नेशनल वाटरवे 5 से आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्तमान कितना गैप्स अच्छी से गैप्स टाकू फिल करने NW5 जिते तार पूर्ण स्तर को पहुँचे निश्चित आम बहुत लाभ पाए।